वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि एक्चुअल में ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कैसे असेस करते हैं और ब्लड प्रेशर असेसमेंट के क्या क्या पर्पज़ होते हैं, कौन कौन सी साइट्स होती हैं, कहाँ से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर मेज़र करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, और एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर कौन कौन से होते हैं, ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो जैसा कि नाम से यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर मतलब जो ब्लड का जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। आइए समझते हैं कि एक्चुअल में इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ एग्जर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एज द हार्ट पंप इट अराउंड द बॉडी। दोस्तों होता क्या है, जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। हार्ट क्या करता है, हमारा जो हार्ट होता है ये हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब होता यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ये जो ब्लड होता है ये आर्टरी में जाता है, ठीक है। ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरी में जाता है। अब एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड का जो फोर्स होता है वो कहाँ पर लगता है, अगेंस्ट द वॉल, जो आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं उनके अगेंस्ट में ब्लड का फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। ये है एक आपकी आर्टरी और ये है आपकी, यहाँ पर इस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये जो ब्लड का फोर्स है ये आर्टरी की वॉल्स पे लगता है। ये क्या है, ये आर्टरी की वॉल्स हैं। इन वॉल्स में जो ये ब्लड का फोर्स लगता है इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी, जो ब्लड का फोर्स होता है ये कहाँ पर लगता है, इन वॉल्स के अगेंस्ट में लगता है, आर्टरी के वॉल्स के अगेंस्ट में लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज टू वैल्यूज, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डायस्टोलिक प्रेशर। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ये एक्चुअली इसकी यूनिट की बात करें तो इसको हम लोग मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में मेज़र करते हैं, ठीक है, जिसको शॉर्ट में MMHG बोलते हैं, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, MMHG होता है, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये एक्चुअली दो टाइप का होता है, कौन कौन, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और आपका दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दो टाइप का ब्लड का प्रेशर होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पज़ की, कि भाई जो ब्लड प्रेशर असेसमेंट होता है उसका पर्पज़ क्या होता है, ब्लड प्रेशर को हम लोग असेस क्यों करते हैं, मेज़र क्यों करते हैं, क्या कारण होता है। तो इसके कई सारे पर्पज़ होते हैं। जो यहाँ पर फर्स्ट पर्पज़ है वो है हेल्थ मॉनिटरिंग, मतलब जब हमको हेल्थ अपनी मॉनिटर करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग ब्लड प्रेशर को सबसे पहले मॉनिटर करते हैं, ओके, टू असेस ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। दोस्तों अगर आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ असेस करनी है, मतलब कि आपको अगर पता करना है कि हार्ट का हेल्थ हमारा कैसा है, ठीक है, हार्ट की सिचुएशन कैसी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ को मॉनिटर, हम लोग ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी हेल्थ को असेस करने के लिए यहाँ पर
हेल्थ, यहाँ पर हम लोग ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ओवरऑल हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो पर्पज है वो है डिजीज डायग्नोसिस। दोस्तों अगर आपको बॉडी के अंदर कोई डिजीज को डायग्नोस करना है या फिर स्पेशली अगर हाइपरटेंशन या फिर हाइपोटेंशन जैसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है तो उसके लिए हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं या फिर जहां आप क्लिनिक पर जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपके ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को क्यों मेजर किया जाता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई डिजीज होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर कोई डिजीज होती है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, और अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की कंडीशन जाननी है तो उसके लिए ब्लड प्रेशर को असेस करते हैं। नेक्स्ट आपको जो पर्पज है वो है कि आपका ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन। दोस्तों ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हॉस्पिटल होता है या फिर जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट का ब्लड प्रेशर को असेस किया जाता है, ठीक है। अब भाई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्यों असेस किया जाता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उस ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए यहाँ पर, ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ब्लड प्रेशर को असेस करते हैं, ठीक है। और मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो भी पेशेंट की मेडिकेशंस, पेशेंट को जो मेडिकेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं, जो मेडिकेशंस एडमिनिस्टर की जा रही हैं उसके रिस्पांस को असेस करने के लिए भी यहाँ पर पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर रिस्क असेसमेंट। दोस्तों होता क्या है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती हैं यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके रिस्क को असेस करने के लिए भी यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को यहाँ पर हम लोग असेस करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ये थे पर्पज। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर की। भाई जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों यहाँ पर हम टाइप्स की बात करें तो जो ब्लड प्रेशर होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। जो फर्स्ट है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर और सेकंड डायस्टोलिक प्रेशर, ये दो टाइप का ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर की। दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर द हाइयर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों होता क्या है, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये क्या होता है, हाइयर वैल्यू होती है। जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसमें आपको दो वैल्यू देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक वैल्यू आपको हाई देखने को मिलती है और एक लो वैल्यू देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो हाई वैल्यू होती है, जो हाई वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये सिस्टोलिक प्रेशर होता क्यों है, कहाँ से आता है। तो ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है यानी कि जो ब्लड प्रेशर में जो हाई वैल्यू होती है वो क्या करती है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब हार्ट जब सिकुड़ता है, तो उस टाइम पर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। दोस्तों सेकंड है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, द लोअर वैल्यू। अब यहाँ पर जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो वहाँ पर दो वैल्यू आपको देखने को मिलती हैं, तो जो उसमें लोअर वैल्यू होती है, जो कम वाली वैल्यू होती है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, क्या होता है, आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ओके। रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स, जब जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है या फिर जब हार्ट डायलेट करता है तो उस टाइम पर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है, ठीक है। कितना होता है,
120 बाई 80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब यहाँ पर ये जो हायर वैल्यू है यानी कि जो 120 है ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। अब जो लोअर वैल्यू है यानी कि 80 जो है ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? डायस्टोलिक प्रेशर है, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर साइट्स फॉर बीपी मेजरमेंट की। भाई जो बीपी का मेजरमेंट किया जाता है यानी जो बीपी असेस किया जाता है वो कौन कौन सी साइट से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो मेनली एक ही इसका साइट होता है, जो मेन इसका जो साइट होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का वो होता है आपका ब्रेकियल आर्टरी, ओके। मोस्ट कॉमन टिपिकली मेजर्ड इन द अपर आर्म। दोस्तों होता क्या है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ये मोस्ट कॉमनली, ठीक है, 99% जो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है वो ब्रेकियल आर्टरी से ही ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होती है? अपर आर्म में होती है, ओके। तो अपर आर्म से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड आपका रेडियल आर्टरी। दोस्तों रेडियल आर्टरी से बहुत ही रेयर, ठीक है, बहुत ही रेयर क्लिनिकल सिचुएशन में यहाँ पर हम लोग रेडियल आर्टरी से भी ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉपलीटियल आर्टरी। दोस्तों जो पॉपलीटियल आर्टरी होती है यहाँ से भी हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयरली, ठीक है, बहुत ही रेयरली जो है पॉपलीटियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। जो पॉपलीटियल आर्टरी होती है ये आपकी बिहाइंड द नी होती है, जो आपका नी होता है उसके जस्ट पीछे आपको पॉपलीटियल आर्टरी देखने को मिलती है, ओके। तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने की जो प्राइमरी साइट है, जो कॉमन साइट है, वो आपकी ब्रेकियल आर्टरी होती है, राइट। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट की कि भाई अगर आपको ब्लड प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इक्विपमेंट की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक स्फैग्नोमैनोमीटर होना चाहिए। दोस्तों स्फैग्नोमैनोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम लोग बीपी को मेजर करते हैं, ठीक है। स्फैग्नोमैनोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम लोग मैन्युअली बीपी को मेजर करते हैं, ओके। डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस डिवाइस का क्या करते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं ये एक स्फैग्नोमैनोमीटर है, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट भी होते हैं, जैसे कि ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ये आपका कफ है, ठीक है, ये आपका कफ, इसको कफ बोलते हैं। और ये आपके ट्यूब्स हैं, ये जो ट्यूब आप देख पा रहे हैं ये ट्यूब्स हैं, ठीक है, एयर ट्यूब्स हैं। और ये आपका बल्ब होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, ये बल्ब होता है। और यहाँ पर एक वाल्व होता है, ठीक है, वाल्व होता है जिससे हम लोग एयर को रोकते हैं, ठीक है, एयर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आप मीटर देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं मैनोमीटर, ठीक है। तो ये एक स्फैग्नोमैनोमीटर है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास एक स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ठीक है। स्टेथोस्कोप किस लिए होना चाहिए भाई? यूज टू लिसन फॉर क्रॉटकॉफ साउंड ड्यूरिंग मैनुअल मेजरमेंट। दोस्तों जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस टाइम पर आपको एक स्टेथोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो स्टेथोस्कोप होता है ये साउंड सुनने के लिए होता है। जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉटकॉफ साउंड बोलते हैं, ठीक है। इस साउंड को जो है लिसन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर। दोस्तों अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन, ठीक है, ये जो डिवाइस होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ये आपको ऑटोमेटिकली आपको ब्लड प्रेशर की रीडिंग बता देती है, ओके। तो ये आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए। अगर आपको मैनुअली ब्लड प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए आपके पास स्फैग्नोमैनोमीटर होना चाहिए और एक स्टेथोस्कोप होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक टेक्निक्स की कि भाई अगर आपको ब्लड प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। दोस्तों हम टेक्निक्स की यहाँ पर बात करें तो कई सारी टेक्निक्स होती हैं। जो फर्स्ट है वो है आपका प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। क्या प्रिपरेशन करनी है? इंश्योर द पर्सन इज रिलैक्स। जो पेशेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। जब पेशेंट रिलैक्स होगा तो जो रीडिंग निकल कर आएगी वो एक्यूरेट रीडिंग होगी।
और पेशेंट कैसा होना चाहिए, सिटिंग कंफर्टेबली, पेशेंट को सिटिंग कंफर्टेबली जो है इसको बिठाना है पेशेंट को, ओके। एंड हैज नॉट कंज्यूम्ड कैफीन और स्मोक्ड, जब आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम पर वो किसी भी टाइप का स्मोकिंग ना किया हो, ठीक है, और कैफीन का यूज ना किया हो, ठीक है। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है या फिर कैफीन का यूज करता है तो उस टाइम पर जो ब्लड प्रेशर है वो रीडिंग आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर प्लेसमेंट, दोस्तों हम पेशेंट की प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। क्या प्लेसमेंट करेंगे, पोजीशन द कफ ऑफ द अपर आर्म एट हार्ट लेवल, जो स्फिग्नोमैनोमीटर का जो कफ होता है उसको कहाँ रखना है, उसको अपर आर्म पर प्लेस करना है। कहाँ पर प्लेस करना है, अपर आर्म पर प्लेस करना है और हार्ट लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, कफ को कहाँ प्लेस करना है, अपर आर्म में प्लेस करना है और हार्ट लेवल पर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट उसके बाद प्लेसमेंट के बाद क्या करना है, पाल्पेशन करना है। पाल्पेशन कैसे करना है, लोकेट द ब्रैकियल आर्टरी एंड प्लेस द स्टेथोस्कोप ओवर इट। अब जो है कफ प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आर्टरी है यानी जो ब्रैकियल आर्टरी है उसको क्या करना है, लोकेट करना है। ब्रैकियल आर्टरी को लोकेट करना है, उसके बाद जिस जगह पर ब्रैकियल आर्टरी है वहां पर स्टेथोस्कोप को प्लेस करना है। उसके बाद क्या करना है, इन्फ्लेशन, उसके बाद इन्फ्लेशन करना है। इन्फ्लेशन का मतलब जो कफ है उसको फुलाना है, ठीक है, इन्फ्लेम करना है। इन्फ्लेट द कफ अंटिल द पल्स इज नो लॉन्गर पल्पेबल, जब तक कि पल्स पल्पेबल नहीं होती है, जब तक कि पल्स का साउंड नहीं सुनाई देता है तब तक आपको जो जो कफ है उसको इन्फ्लेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, डिफ्लेशन, दोस्तों डिफ्लेशन करना है, मतलब हमने इन्फ्लेम कर लिया है ना, हमने क्या कर लिया, इन्फ्लेशन कर लिया, उसके बाद क्या करना है, डिफ्लेशन करना है, यानी कि एयर को धीरे धीरे बाहर निकालना है, ओके। ग्रेजुअली डिफ्लेट द कफ वाइल लिसनिंग फॉर द क्रॉफ्टकॉफ साउंड, उसके बाद क्या करना है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एयर को जो है डाउन करना है, धीरे धीरे एयर को डाउन करना है यानी डिफ्लेट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, लिसनिंग द क्रॉफ्ट कॉफ साउंड, जो क्रॉफ्ट काउंड जो आपकी क्रॉफ्ट कॉफ साउंड है इसको लिसन करना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। नोट द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है उसको नोट डाउन करना है, ओके। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो कि हमने शॉर्ट में आपको बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर, दोस्तों कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को असेस करते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर है वो एज, दोस्तों जो एज होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, ओके। कैसे अफेक्ट करता है, जनरली ब्लड प्रेशर टेंड्स टू राइज विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी राइज देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जेंडर, दोस्तों जेंडर की यहाँ पर हम बात करें तो मेन टेंड टू हैव हायर ब्लड प्रेशर देन प्री मेनोपॉजल वुमेन, जो प्री मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनके कंपेरिजन में जो मेन होते हैं उनमें आपको ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलता है जो प्री मेनोपॉजल वुमेन होती हैं। प्री मेनोपॉजल वुमेन ऐसी वुमेन्स होती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, ठीक है, जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वेट, दोस्तों वेट की यहाँ पर हम बात करें तो ओवरवेट इंडिविजुअल्स आर एट ए हायर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो ओवरवेट होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा जो वेट होता है, जो ओवरवेट पर्सन होते हैं उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपको हाई देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन का ज़्यादा रिस्क उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो वेट होता है ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं
तो रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका डाइट। दोस्तों डाइट भी हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत ही मेजर प्ले करता है। जो डाइट होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर में मेजर रोल प्ले करता है। हाई सोडियम इंटेक कैन एलिवेट ब्लड प्रेशर। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें जो आपका सोडियम इंटेक है वो हाई है, मतलब अगर आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सोडियम होता है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर जेनेटिक्स। दोस्तों जेनेटिक्स भी कई बार क्या होता है, जेनेटिकली भी हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हाइपरटेंशन इंक्रीज रिस्क। अगर फैमिली में आपको किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आने वाली जनरेशन में भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, तो ये हैं फैक्टर्स जिनकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर। अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर का मतलब एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो होता है दो टाइप का होता है, यहाँ पर दो टाइप से अल्टर होता है, एक तो हाइपरटेंशन दूसरा हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है भाई, परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हाई रहता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। दोस्तों अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, हमेशा हाई रहता है, तो क्या होगा, मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर हाई बना रहता है तो उस कंडीशन में उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है वो अगर लो देखने को मिलता है, अगर किसी इंडिविजुअल में ब्लड प्रेशर लो देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। ओके, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। अगर इस वैल्यू से ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, और अगर इस वैल्यू से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। राइट, पोटेंशियली काजिंग डिजीनेस और फेंटिंग। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है, मतलब ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट में डिजीनेस देखने को मिलेगा, मतलब चक्कर आ सकता है और फेंटिंग देखने को मिलेगी। तो ये थे आपके अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इस PDF नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।